सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट। इसमें देखिए, आपको दो स्क्वायर रूट्स का सम दिया हुआ है, 4 होल नंबर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 होल नंबर 1/4/9। यानी ऊपर जो वैल्यू है वो आपके पास फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में है, और नीचे आपके पास नंबर है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सिर्फ इवेलुएट करना है आपने। आपसे ये नहीं कहा गया आप स्क्वायर रूट मालूम करें, कुछ डेसिमल प्लेसेस से ऑन करें, यानी इसको सिर्फ सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2 4 जो हो जाएगा 8 एंड 1 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है, यानी इसको जो हमने सॉल्व किया मिक्स फ्रैक्शन को, हमारे पास आया 9/2 एंड डिवाइड में पहले से डिनोमिनेटर में क्या था, 2, और ये पूरी टर्म जो है वो रूट के अंदर है। सिमिलरली ये हो जाएगा 12 4 48, और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 49, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है आपके पास, ये है 4, और डिनोमिनेटर में पहले से क्या मौजूद है, 9, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया है, रूट में। अब आप ये बात क्लियरली जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2 भी डिनोमिनेटर में है ऊपर फ्रैक्शन में, और ये 2 भी डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 9/ ये 2 और 2 आपस में डिनोमिनेटर में एक जगह आ जाएंगे और हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 49 ऊपर है और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये 4 और 9 एक ही जगह डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और हो जाते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 2 4। सिमिलरली ये हो जाएगा 49 और ये है 4 9 36। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इनका रूट लूँ, ये सब स्क्वायर रूट है किसी न किसी नंबर के, 9 किसका रूट होता है, 3 का, 4 किसका रूट होता है, 2 का, इसी तरीके से 49 जो है वो रूट होता है 7 का, और 36 जो है वो रूट होता है 6 का। तो आपके पास सिंपल फ्रैक्शन आ गई है, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली 6 आएगा। आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे, 2 1 2 एंड 2 3 6 एंड देन 3 1 3, तो 2 और 3 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो उस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 7 1 7। 9 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/6, और 16 और 6 को हम डिवाइड करेंगे, आप चाहें तो पहले से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 3 6, 2 8 16, तो आ गया 8/3, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3 2 6, 8 में 6 माइनस किया 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन दी, तो मैं इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, क्या आंसर हो जाएगा, 2 होल नंबर 2/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, इसके अलावा पार्ट 2 जो है वो सेम एज इट इज इसी मेथड से सॉल्व होगा, तो आप खुद करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 9 होल नंबर 18/25 एंड 1 ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। अब आपसे क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो हमें क्या मिल रहा है, 9 होल नंबर 18/25, जिसमें से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स बराबर है दूसरे नंबर के। तो आपको नंबर्स मालूम करना है, यानी पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम सपोजिशन करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, लेट फर्स्ट नंबर जो है, मैं फर्स्ट नंबर कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है वो है एक्स, ठीक है, और सेकंड नंबर आपको क्या बोला है कि वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, यानी पहला नंबर एक्स है तो जो सेकंड नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा है पहले नंबर के, तो यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 9 होल नंबर 18/25। तो मैं अब क्वेश्चन लिख सकती हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कह रहे हैं आपसे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके बराबर है, 9 होल नंबर 18/25,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं, एक है x और दूसरा क्या है 3x, ये बराबर है किसके, 9 होल नंबर 18/25। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ये हो जाएगा 3x² और ये अगेन 9 होल नंबर 18/25। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ मिक्स फ्रैक्शन से, सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आ जाऊँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी और जब मैं 18 प्लस करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 245। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 243। एंड डिवाइडेड बाय 25 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर है और ये 243 है, 3 जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये रूल तो आप जानते हैं, अलजेब्रा में आप पहले पढ़ चुके हैं, 3x² से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो ये x² = हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 3 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, करिए मल्टीप्लाई, आप लोग भी रफ में तमाम मल्टीप्लीकेशन शो करेंगे। जब हम 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 2 6 और 7 8 85। अब देखिए स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या लूँगी, स्क्वायर हटाने के लिए मैं लूँगी रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं यहाँ पे रूट लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं पहले और सिंपल करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको कैंसिल कर लूँ, क्या ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है? देखिए अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 3 8 24 एंड 3 1 3, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास 85 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 7 3 1 3, 3 2 6 और 2 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 25, तो ये डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब जी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये है आपके पास 3 2 6 और 1 7, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया है जल्दी में गलती से, ये आपके पास आ रहा है 75। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 और दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3 और हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे आपके पास कैरी आएगी 3 5 15। अब देखिए आपके पास आ गया है 81/25। अब स्क्वायर आपको हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ भी आ जाएगा 81/25। स्क्वायर से रूट आप जानते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 81 किसका रूट होता है 9 का और 25 किसका रूट होता है 5 का, तो आपको एक्स कितना मिल गया है 9/5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर, तो इट मींस कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 9/5 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 3x, यानी 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 9/5 से, तो क्या आ जाएगा 3 9 27/5। तो आपको दोनों नंबर्स मालूम करने थे, पहला नंबर आपके पास आ गया 9/5 और सेकंड नंबर आपके पास क्या आ गया 27/5। तो आप आंसर में इस तरीके से लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर क्या आया आपके पास 9/5 और सेकंड नंबर आपके पास क्या आ गया 27/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 5 होल नंबर 5/64 एंड देयर HCF इज 3 होल नंबर 1/4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ द टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 होल नंबर 5/64 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 3 होल नंबर 1/4। आपको उनके LCM का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम एक काम करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उन चीज़ों को लिख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कितना है 5 होल नंबर 5/64
और जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 64 को मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ जाएगा हमारे पास, आप लोग रफ में करके देखिए, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कर रही हूँ, 64 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 एंड 5 6 30 एंड 30 2 32 320, और 320 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 325/64। मिक्स फ्रैक्शन से मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपको HCF कितना दिया हुआ है, मैं वो लिखूंगी, HCF ऑफ नंबर्स 3 whole number 1/4। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो 4 3 12 एंड 1 ये हो जाएगा आपके पास 13/4। आपने क्या मालूम करना है, आपने LCM मालूम करना है और उसका फिर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो मल्टी प्रोडक्ट होता है, किसके, LCM के और HCF के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है किसके, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मालूम करना है, LCM आपने फाइंड आउट करना है, तो HCF यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो HCF मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से डिवाइड। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, और ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, LCM। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आया था हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 325/64, और HCF कितना आया था, 13/4, ये किसके बराबर चलेगा, LCM के। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ आपकी आसानी के लिए, देखिए 325/64, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, और इसके साथ डिवाइड क्या हो रहा है, 13/4, तो मैं लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 13/4 एक ही बात है, और ये सब किसके बराबर चल रहा है, LCM के। अब मैं ये अगेन लिख रही हूँ 325/64 डिवाइड का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये हो जाएगा 4/13, और ये किसके बराबर है, LCM के। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा, LCM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/16। ठीक है, जब हम इनको कैंसिल करेंगे, अब हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि LCM का आप स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ LCM। तो आप जानते हैं 25 का रूट क्या होता है, 5, और 16 का रूट क्या होता है, 4। सो डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स 994.578756। वो कौन सा नंबर है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 994.578756 मिले। आप जानते हैं, मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे बताइए मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से कि मुझे 81 मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं मैं कौन से नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, 81 मिले। तो इट मीन्स कि मैं आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रही हूं, उसका स्क्वायर रूट पूछ रही हूं। यानी 81 मैं जानती हूं कब मिलता है, जब मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 81। तो ये भी क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली यही गिवन है कि आप किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको ये नंबर मिल जाए। यानी इनडायरेक्टली आपसे इस नंबर का क्या मालूम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट मालूम करने को कह रहे हैं। तो जब इनडायरेक्टली कहा तो हम भी इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर मैनर में करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, एक्स है। रिक्वायर्ड नंबर है एक्स, और हम इसका अगर स्क्वायर मालूम करेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
और आपसे क्या कह रहे हैं कि नंबर जो है, यानी कि जब मैंने इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 994.578756। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि सवाल में कंडीशन के हिसाब से आपके कह रहे हैं कि जो स्क्वायर है यानी नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू के। अब हम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा और इस वैल्यू पे भी क्या आ जाएगा, 994.578756। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 994.578756 और इस पर क्या आ जाएगा, रूट। अब क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि इस पर रूट आ गया, तो इट मीन्स आप इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट फाइंड आउट करने का वही मेथड 994.578756। सबसे पहले आप पेयर्स बनाएंगे राइट हैंड से और आप सेम उसी मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो मैं आपको इससे पहले करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको हाफ करा दिया है, अब सिर्फ आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और आंसर लिखना है, तो ये स्क्वायर रूट आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। एक स्क्वायर गार्डन है जिसका एरिया कितना है, 331.24 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग, आपको उसके फेंस बनाने के लिए जो रेलिंग रिक्वायर्ड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए एरिया किससे मेजर हो रहा है, स्क्वायर मीटर से, तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे एरिया फार्मूला लिखूँ, क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। और स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसके तमाम साइड जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी जो एक साइड है लेंथ वही दूसरे साइड की भी लेंथ होगी। तो इट मीन्स कि 331.24 स्क्वायर मीटर है, तो ये आपको किसी नंबर का डबल प्रोडक्ट यानी कि स्क्वायर बताया हुआ है। तो अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी वन साइड की लेंथ मालूम करेंगे कि इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना गिवन है, 331.24 स्क्वायर मीटर, ये आपको एरिया गिवन है। अब आपने क्या मालूम करनी है, एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, तो एक साइड के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एज ऑफ द स्क्वायर गार्डन, एक साइड की लेंथ मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू का रूट निकालूंगी 331.24, क्योंकि मुझे पता है एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि जो लेंथ है वही ब्रेथ भी होगी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर एक साइड चाहिए तो मैं उसका रूट निकालूंगी, जब मुझे स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो इट मीन्स कि मैं उसका रूट जो है वो फाइंड आउट करूंगी। तो चलिए हम सबसे पहले इसका रूट फाइंड आउट करते हैं, तो 331.24 और मैं इसका स्क्वायर रूट बनाऊंगी, राइट हैंड साइड से ये पेयर बन गया और थ्री अलग। अब थ्री आप जानते हैं, थ्री से छोटा नंबर वन ही आता है, वन वन ज़ा वन, वन मैंने प्लस किया, वन एंड वन टू, थ्री में से वन माइनस किया टू। अब जो पेयर है 31 ये मैंने यहाँ पे उतार दिया, तो अब मैं कौन सा नंबर करूँगी, मैं यहाँ पे एट नंबर को यूज़ कर रही हूँ, तो एट एट ज़ा 64, फोर यहाँ आ जाएगा सिक्स कैरी, एट टू ज़ा 16 और 16 में जब मैं सिक्स प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है स्टूडेंट। इनको जब मैं प्लस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 और ये 2 और 1 3, यहाँ माइनस होगा 11 में से, जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 9। बताइए मुझे 11 में से जब यहाँ से देखिए 3 है, इसने इसको कैरी दे दी तो 11 हो गया, 11 में से जब हमने 4 माइनस करे तो हमारे पास क्या आया 7। अब जो यहाँ पे देखिए डेसिमल है, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा और ये 24 जो है नीचे आ जाएगा पेयर में। अब मैं किससे करूँगी, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 यहाँ भी लिखूँगी, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 सिक्स ज़ा 12, 1 कैरी, 2 थ्री ज़ा 6 और 1 7, ये सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और इनको प्लस किया तो आ गया 364। तो मेरे पास
एच कितना आ गया है मेरे पास, एच आ गया है 18.2 मीटर, यानी एक लेंथ जो है वो इसकी कितनी आई है, 18.2 मीटर की लेंथ आई है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या मालूम करनी है, इसकी जो है रेलिंग की जो है वो लेंथ मालूम करनी है कि लेंथ जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम किसका फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे पैरामीटर का फार्मूला। पैरामीटर का फार्मूला स्क्वायर के लिए क्या यूज़ होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, क्या फार्मूला होता है, 4 × लेंथ, यानी जो लेंथ आई है, क्योंकि 4 साइड्स होती है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो फेंस लगता है आप जानते हैं फेंस जो है वो चारों तरफ ही लगता है, तो इसलिए हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे। तो 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 18.2 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 72.8 मीटर, यानी मुझे कितनी रेलिंग रिक्वायर्ड है, 72.8 मीटर की रेलिंग जो है मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एरिया गिवन था, हमने एरिया मालूम लिखा, फिर उसके बाद हमने उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें स्क्वायर में गिवन है, तो हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ता है, इसलिए मैंने 331.24 का रूट लिया, तो मुझे ये वन साइड की लेंथ मिल गई। फिर मैंने पैरामीटर मालूम करा, क्योंकि मुझे रेलिंग की जो है वो लेंथ मालूम करनी थी, तो रेलिंग जो है वो ज़्यादा से बच्चे चारों तरफ लगती है, तो इसलिए पैरामीटर आपसे इनडायरेक्टली मालूम करने को कह रहे हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कि आप 4 टाइम्स जो है उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, तो 18.2 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 72.8, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ये तीनों आप खुद करेंगे होमवर्क में, सेम वही मेथड फॉलो होगा जो मैंने आपको वर्ड्स प्रॉब्लम का कराया है। इसमें देखिए आपको कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 105 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर हॉल है जिसका एरिया कितना है 105 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, तो आपको उसकी लेंथ मालूम करनी है उसकी एक साइड की। तो अगेन आपको स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है और आपको क्या मालूम करनी है, लेंथ। तो सिंपल 105 का आप क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। What should be the maximum height of a curtain for a square wall that has an area of 289/64 square meter? अब curtain जो है उसकी height पूछ रहे हैं कि maximum height क्या होगी एक दीवार के लिए, दीवार कैसी है square shape में है, that has an area जिसका area कितना है 289/64। तो आप जानते हैं स्क्वायर है, इट मींस ये दोनों स्क्वायर में दिए हैं, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। अब आप इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको उसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चंस में डाटा लिखा है, आपको उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस जो हैं लिखने पर डाटा लिखना पड़ेगा कि आपको जो मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है जबकि स्क्वायर इतना है, देन आप बताएंगे कि आपने इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर्स विद एन एरिया ऑफ 40 cm² विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4 m². अब आपको इसमें बताना है कि कितने पेपर के स्क्वायर बन सकते हैं जबकि एरिया कितना है 40 cm². ठीक है, एक आपके पास पेपर है जिसका एरिया है 40 cm², तो कितने ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर की कि एरिया कितना हो जाए 4 m². इस क्वेश्चन को भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये आपको बुक में ही करने हैं। सिंपल आपके पास तमाम क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मालूम करने को बोला है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 110, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट 50/250, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15.6512, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.35। तो ये तमाम के स्क्वायर रूट आप रफ में जो है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर देन जो आंसर होगा आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द डैश। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का सिंबल क्या कहलाता है,
तो स्क्वायर रूट का सिंबल कहलाता है रेडिकल। द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन्स डैश डिजिट्स। जो 4761 है इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप जानते हैं डिजिट्स हम पेयर बना के काउंट करते हैं, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो इट मीन्स कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, टू डिजिट्स आ रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इटसेल्फ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कहते हैं जिसमें न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर है, न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3/5, ठीक है। अगर इस तरीके की फ्रैक्शन है तो उसका जो आपके पास स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा उससे क्या होगा, वो हमेशा होगा उससे छोटा, यानी लेस। द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 36 है, उस किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 2 है तो 2 का क्या कोई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, नहीं है। आपको आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, तो डेसिमल के बाद वैल्यू कंटिन्यूस चल रही थी। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिवीजन मेथड। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको आप सिंपल एलसीएम वाले मेथड से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज, तो 20 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे आप उसका आंसर आ जाएगा 4.4। नेक्स्ट आपके पास ट्रू एंड फॉल्स। 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आप जानते हैं 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, लेकिन 200 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट विल बी फॉल्स। सेकेंड है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो जब अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो स्क्वायर ही जाता है। इस तरीके से अगर हम इवन नंबर जो है उसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, इवन नंबर है, मैं इसका स्क्वायर अगर मालूम करती हूँ तो क्या आ रहा है, 4। और अगर मैं इसका अगेन इनवर्स रूट मालूम करती हूँ तो वो भी क्या आ रहा है, 2। दोनों क्या है, इवन नंबर, तो ये हमेशा इवन नंबर होगा, ट्रू। 2.315796822 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू। इरेशनल नंबर आप जानते हैं जो कि डेसिमल में आते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन टू डिजिट्स। अब बताइए इसमें टू डिजिट्स हैं तो हम पेयर बना के देख लेते हैं, ये बन गया 1 और ये बन गया 1, ठीक है। ये क्या है, तो दो डिजिट्स आ रहे हैं इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, तो 20 जो है उसका स्क्वायर रूट 400 होता है, डेट इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टूडेंट चैप्टर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसका तमाम काम आपने नीट एंड क्लीन करना है, जो मैंने कराया है उसको अच्छे से कॉपी करेंगे और जो मैंने होमवर्क में कराया है उसको भी प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।